हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल शाइना गोयल दोस्तों आई होप आपके एग्ज़ाम्स जो हैं अच्छे जा रहे होंगे और जो ये क्वेश्चंस मैं अपलोड करती हूँ आंसर्स के साथ इनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती होगी तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्ट और हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ वाट आर द मेन रिकमेंडेशन ऑफ एन सी ठीक है is, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको करना है एक काम वो है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही में क्लिक कर दें बेल आइकन पर ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए सो लेट्स बिगिन विद द आंसर नाउ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिसेंटली सितंबर uh, 2020 के एग्जाम्स में भी आया है वैसे भी ये क्वेश्चन और भी सब्जेक्ट्स में आता है बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले हम रिकमेंडेशन डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे स्टार्टिंग में हम एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देंगे यानी कि एन क्या होता है ठीक है उसके रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में या फिर फर्स्ट पेज में आप समझ लीजिए कि आनी चाहिए तो एन सी एफ़ मीन्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ठीक है 2005 का डिस्कस कर रहे हैं ये पब्लिश किया था ए एन सी ई आर टी ने ठीक है यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन इंडिया तो एन होता किसके रिगार्डिंग है कि स्कूल्स में जो भी आपको सिलेबस होता है देखिए करिकुलम है तो करिकुलम में जो भी स्कूल के दौरान आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं जो भी सिलेबस आता है ए टू जेड वो सारा एन डिसाइड करती है उसके अंदर स्कीम के अंदर फाइन तो ये जो है ट्वेंटी टू में ट्रांसलेट किया गया है और सेवनटीन स्टेट्स में इन्फ्लुएंस्ड हुआ है एनसीएफ में जो मेन फोकस है वो इस चीज पर है कि रोट मेमोराइजेशन को खत्म किया जाए यानी कि बच्चे जो रट्टा लगाकर लर्न करते थे उस चीज को खत्म करके बच्चे अंडरस्टैंडिंग से काम करें इस चीज पर ज्यादा फोकस है अब इसके डॉक्यूमेंट में बेसिकली फाइव एरियाज हैं परस्पेक्टिव लर्निंग एंड नॉलेज कारिकुल एरियाज स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरमेंट सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स अब इन पांचों को आप डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं क्योंकि डायग्राम हमने बनानी जरूर है मैं यहां पर मिस कर गई वो चीज तो अब यहां पर हमारा जो इसकी इंट्रोडक्शन है एनसीएफ की वो कंप्लीट हो गई है अब हम रिकमेंडेशन की बात करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट बाउंड्रीज बी फ्लेक्सीबल बेसिकली इसमें है क्या कि जो भी स्टडी होती है वो बिल्कुल बुकिश नॉलेज ना रहकर रियल लाइफ से कनेक्ट करे ताकि बच्चे एक्चुअल में सीख पाए जो भी वो पढ़ते हैं अपने रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर पाए अपने सराउंडिंग से रिलेट कर पाए इसलिए यही है जो एनसीएफ का मेन फोकस है फाइन और जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करें यानी कि बच्चे देखकर पढ़ें सुनकर पढ़ें और प्रैक्टिकली कर परफॉर्म कर भी उस चीज को पढ़ पाए ठीक है नेक्स्ट आता है करिकुलर एरियाज़ इसको हम डिस्कस करते हैं जैसे रोड मेमोराइजेशन की बात हो चुकी है कि बच्चे एक्चुअल में प्रैक्टिकली परफॉर्म करके सीखे ऐसे नहीं है कि बुक में पढ़ा और उसको रट्टाफिकेशन हो गई करिकुलम में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी इंक्लूड होने चाहिए लाइक आर्ट एजुकेशन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन वर्क एंड एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर पीस और फाइनली जो क्लास का एन्वायरमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चा डर कर नहीं पढ़े बिल्कुल फियरलेसली पढ़े और जो भी उसको प्रॉब्लम आ रही है वो अच्छे से टीचर से इंटरेक्ट कर पाए खुलकर उनको पूछ सके ताकि उन, उसके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड और जो भी नॉलेज टीचर्स आपको दे रहे हो वो इंटर रिलेटेड होने चाहिए सब्जेक्ट से एक दूसरे से लिंक करने चाहिए प्लस पढ़ाने का जो वे है वो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू होना चाहिए लाइक प्रेजेंटेश देकर अच्छे से डेमो देकर टीचर्स आपको पढ़ा सकते हैं एंड ऑल देन इज डेवलपमेंट ऑफ सपोर्ट मटीरियल टीचर्स को भी अपडेट रखना बहुत जरूरी है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो भी सिलेबस न्यू ऐड होता है तो टीचर्स की भी एक रीओरियंटेशन होनी जरूरी है ताकि वो अपडेट रहे और बच्चों को अपडेट रख सके नेक्स्ट इज सेंट्रलिटी ऑफ लैंग्वेज इसमें क्या कहा गया कि क्लास फाइव तक बच्चों को उनकी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाया जाए ताकि बच्चे अच्छे से जो कंसेप्ट है वो समझ पाए और जो क्लासरूम है वो मल्टीलिंगुअल हो पाए देन सिस्टम रिफॉर्म में क्या है की जो क्वालिटी है टीचिंग की वो अप टू डेट रहे और क्वालिटी क्वान्टिटी और इक्वालिटी इन तीनों चीजों पर ध्यान दिया जाए एग्जामिनेशन रिफॉर्म की एग्जाम लेने का तरीका क्या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने चाहिए सब्जेक्टिव होने चाहिए बोर्ड के एग्जाम्स क्लास एट से पहले नहीं होने चाहिए देन इज इवेल्युएशन रिफॉर्म जो भी स्कूल है वो सी सी पैटर्न फॉलो करना चाहिए यानि की कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन और यहां पर एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ के साथ हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट होता है तो सबसे पहले दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये वीडियोस कैसी लगती हैं और इसे आप लाइक like करें ना करें ज्यादा से ज्यादा इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें एंड फ्रेंड्स अगर आप अपने नोट्स या फिर कुछ आंसर्स क्वेश्चंस के शेयर करना चाहते हैं दूसरों के साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ये आपको दिख रही है ईमेल आईडी इस पर आप मुझे ईमेल कर दीजिए और मैं इसे पब्लिश जरूर करूंगी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, वीडियो। Till then, keep watching friends!